बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मनोज खान एंड माय टॉपिक इज़ हदीस। हदीस नंबर 5 इन्ना मिन हुस्नुल इस्लाम अल मरही तरकु मा ला यग्नी। इट्स मीन वेरीफाई फ्रॉम द परफेक्शन ऑफ इस्लाम इज दैट पर्सन रिसीव बट डज नॉट कंसम। इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के काला होने की मिसाल ये भी है कि इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए, कि ना किसी के दूसरे के कामों में टांग अड़ानी चाहिए, मतलब दूसरे के कामों में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरे के काम में दखल अंदाजी करना भी मुनाफ़त कहलाता है। इसलिए इंसान को अपने अंदर जाना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और अपने और वो कहाँ जा रहा है, जन्नत में जा रहा है, दोजख में जा रहा है। इसलिए इंसान को चाहिए वो अपने काम से काम रखे। हाँ, अगर इंसान किसी की पॉजिटिव वो देखभाल कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरों के काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है, ये मुनाफ़त के उसमें आता है। हदीस नंबर 3 द मैसेज ऑफ अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम सेड बनी इस्लाम अल खमसी अलाबुदुल्लाह वयफ़िर बिमा दूनी वाकाम सलात वईता ज़कात वहज बैत वसौम रमज़ान। Islam is built upon five pillars of worship: Allah and desirable inward is worship beside Him, to establish prayer, to give charity, to perform Hajj pilgrimage to the end of fast of the month of Ramadan. Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। सबसे अव्वल ये है कि इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना समझे और अल्लाह और अल्लाह के आखिरी नबी पर यकीन रखे। और उसके बाद उसको चाहिए कि नमाज पढ़े, रोज़े रखे, हज करे और अपनी ज़िंदगी में एक बार हज करे और ज़कात अदा करे, ताकि उससे गरीबों की भी मदद हो के हो सके और नमाज कायम करे। Hadith number 6 the message of Allah peace be upon and blessing he said la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu Allah khayr ma yuhibbu li nafsihi, none of you has faith until he loves for his brother what he loves for him. तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कभी भी अपने भाई से झगड़ा ना करो, कभी भी उसके बारे में बुरा भला ना कहो, कभी भी उससे ऐसा वादा ना करो जो तुम पूरा वादा खिलाफी कर सको, उससे वादा पूरा ना कर सको, ना ही कभी उससे झगड़ा करो।